नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र हल करके आपके लिए तैयार किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसी चैनल पर आपको सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित आपको मिलेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट झुंझुनू राजस्थान। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 मॉडल प्रश्न पत्र संग्रह। कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय हिंदी, सत्र 2021-22। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 पूर्णांक है 80। समय रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है और उनके उत्तर आपको तालिका बना करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है, सारणी बना करके। पहला प्रश्न है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। इस प्रत्यूष शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रत्यूष शब्द का अर्थ है प्रातःकाल है। ऑप्शन आपका खे राइट होगा, प्रातःकाल है। दूसरा प्रश्न है, निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर गे राइट होगा, कारण। निमित्त का शब्द का अर्थ है कारण। तीसरा है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। के टेलीफोन ने, एसएमएस ने, ग पत्रों ने और बड़ा गे है वायरलेस ने। तो इसका सही उत्तर होगा पत्रों ने। मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है पत्रों ने। प्रश्न क्रमांक 4 है, बाज और सांप। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो कहानी है उसमें सांप किसका प्रतीक है? बाज साहस और वीरता का प्रतीक है और सांप है वो कायरता का प्रतीक है। तो सांप ख इसका उत्तर होगा, ख कायरता का। कहानी में सांप किसका प्रतीक है? कायरता का। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न, गौरा के अनुसार टोपी पहनता है। आपकी पाठ्यपुस्तक की कहानी के अनुसार जो गौरा नामक पात्र है वो उसके अनुसार टोपी कौन पहनता है? का सेवक, ख राजा, ग गुलाम और लास्ट है कैदी। तो सही उत्तर होगा ख राजा। गौरा के अनुसार टोपी पहनता है राजा। 6ठा प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। के स्वाधीनता, ख आज़ादी, घ गतिशीलता और घ उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना, स्वाधीनता को भी चुना, आज़ादी को भी और गतिशीलता को भी चुना। अगला प्रश्न है, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में से, ऑप्शन में से आपको वो शब्द चुनना है जिसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। तो वी उपसर्ग घ ऑप्शन में है, विशेष। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मोरनी, देवी, नदी या बुराई? तो सही उत्तर होगा बुराई। प्रश्न क्रमांक 9, बस की सीट का किस से असहयोग चल रहा था? पाठ के अनुसार बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था? तो बस की सीट का बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था। 10वां प्रश्न है, दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है? दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? 10वें प्रश्न का उत्तर होगा, दीवानों के जीवन का लक्ष्य अपना बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है। 11वां प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे? सुदामा की दीन दशा देखकर के श्री कृष्ण
रो पड़े थे। 12वां प्रश्न है, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? उत्तर होगा अमीर घरानों के बच्चे। अमीर घरानों के बच्चे काम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, जिले में किस कार्य हेतु, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? किस कार्य हेतु? तमिलनाडु में जो पुडुकोट्टई जिला है उसमें महिलाओं के लिए साइकिल चलाने का प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अनुकूल, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। अगला है आय, आय का विलोम शब्द होगा व्यय। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। कमल, कमल शब्द के पर्यायवाची होंगे जलज, पंकज। बादल के पर्यायवाची होंगे घन, मेघ, पयोद, वारिद। अगला प्रश्न है, कवि ने ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? ध्वनि पाठ जो आपका पहला पाठ है, ध्वनि जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि उसके जीवन में, कवि जीवन में अभी नहीं आशा और उत्साह का संचार हुआ है। उसे नए नए भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला है, नए नए भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। अब वे अपनी कविताओं द्वारा युवाओं के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करेगा, इसीलिए अब कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 17। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। दीवानों की हस्ती जो पाठ है भगवती चरण वर्मा का, देश प्रेम के दीवाने हर हाल में मस्त है, ये बात दीवानों की हस्ती कविता में जो आपको या हमको सबसे अच्छी लगी। 18वां प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन और SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? फोन पर जो सुनी हुई बातें हैं वो बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता है। SMS की बात अस्थायी होती है, दोनों में ही संदेश का स्वरूप है वो छोटा होता है। SMS और फोन पर जो संदेश है वो उनका स्वरूप है वो छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, अपने मन की बातें सुरक्षित रूप से रखने और बराबर मन में रहती है, और बार बार पढ़ने का सुख भी, पत्र को पढ़ने का सुख भी मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें हैं वो विस्तार पूर्वक भी लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 19, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? बाज और सांप की कहानी से है ये। तो सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके बाज की उड़ने की जो असीम चाहत थी, उसको देखकर भी वह आकाश की असीमता को पाने के लिए लालायित हो उठा था। वह भी आकाश के रहस्य को जानना चाहता था। 20वां प्रश्न है, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। खुशहाली, उज्जवल, निर्माण, विज्ञान। अथवा मह निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। 20वें प्रश्न में जो सार्थक शब्द दिए हुए हैं, खुशहाली, उज्जवल, निर्माण और विज्ञान, इन शब्दों को प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं।
आप अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बना सकते हैं जिसमें ये शब्द काम में आए। अथवा का प्रश्न है जिसमें बहुवचन लिखना है, जैसे कविता तो कविताएं, बकरी का बहुवचन होगा बकरियां, जाति को जातियां और पुस्तक को बहुवचन होगा पुस्तकें। प्रश्न नंबर 21, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है तो आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे? पहले तो उन्हें इस प्रकार समझाएंगे कि बाल विवाह करना अपराध है और सभी बातें उन्हें समझाएंगे कि बालक का अभी विकास नहीं हुआ है। सभी बातें जो आपके मन में हैं वो बातें आप कह सकते हैं। यदि वो भी नहीं मानते हैं तो आप उसे रोकने के लिए पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? चौराहे हो या तिराहे हो, सड़क के बीच में खंभे पर तीन बत्तियां लगी हुई होती है। तीन उसमें रंग होते हैं, लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग। तो लाल रंग तो रुकने का संदेश देता है, संकेत करता है। पीला रंग लाल बत्ती होने का और हरा रंग आगे बढ़ने का हमें संकेत देता है। ये ट्रैफिक लाइट होती है, इससे यातायात नियंत्रित होता है। सड़क के दोनों ओर खंभे पर लगी जो बत्ती है उसमें आदमी का चित्र होता है। उसमें हरी बत्ती जलने पर ही पैदल यात्री को जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। और यदि किसी अपाहिज को आप देखते हैं, बुजुर्ग को देखते हैं या अंधे व्यक्ति को देखें तो सड़क पार करने में उसकी मदद हमें करनी चाहिए। और चौराहे को पार करते समय जो लाइटें लगी हुई होती है, ट्रैफिक लाइट होती है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। ये गद्यांश आपके बदलू की जो कहानी है, लाख की चूड़ियां, उस पाठ से है। इस गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है? बातें दो दो पात्रों के बीच में हो रही है, किन किन के मध्य हो रही है? एक तो लेखक के मध्य, लेखक और बदलू के मध्य संवाद है, वो लेखक और बदलू के मध्य हो रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई है? उसकी पूंछ कम क्यों हो गई है? अब पूंछ नहीं रही चूड़ियों की, बदलू की बनाई गई चूड़ियाँ हैं, जो हाथ से बनी हुई चूड़ियाँ हैं उनकी पूंछ कम हो गई है, क्योंकि अब मशीनों से कांच की सुंदर चूड़ियाँ बनने लगी थी, इसलिए उनकी पूंछ कम हो गई है। मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? मशीनी युग के बारे में बदलू ने कहा कि मशीनी युग के कारण वह बेरोजगार हो गया है, एसआई हो गया है, लाचार हो गया है, क्योंकि अब उसके काम की, उसके कारीगरी की, उसकी कुशलता की अब कोई पूछ नहीं है। बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यथित होने का कारण यही था कि अब उसका काम है वो बंद हो गया है। सभी जगह कांच की सुंदर चूड़ियां बिकने लगी है, सब काम मशीन से होता है, इसलिए वह क्या हो गया है? एसआई और लाचार हो गया है, बेरोजगार हो गया है। प्रश्न नंबर 24, चौबीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। इस पद्यांश जो दिया गया है, इस पद्यांश का आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ और उसके बाद में लिखेंगे प्रसंग। संदर्भ ये जो पद्यांश है, कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक है, कवि कौन है, तो
तो प्रस्तुत जो पंक्तियां है इस पद्यांश में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक, जो पाठ्यपुस्तक का नाम है वसंत थ्री, हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत थ्री के यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ये पंक्तियां ली गई है, और इसकी रचयिता कवित्री जो है वो है जया जादवानी। इन पंक्तियों में अब आप संदर्भ के बाद में आपको लिखना है प्रसंग, प्रसंग में आपको लिखना है इन पंक्तियों में कवित्री निराशा के समय में आशा का संदेश देते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह देती है। अब आपको लिखनी है व्याख्या कि बच्चों को घर के बुजुर्गों द्वारा प्राचीन काल से ही कहानियाँ सुनाई जाती रही है। कवित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे, वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस न आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आती है। ये बसें भविष्य में भी आती रहेगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें जरा भी निराश नहीं होना चाहिए। 25वां प्रश्न है स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। आपको संभाषण लिखना है, दो विद्यार्थियों के नाम लिख करके उनके बीच में जो होने वाली कहानी है, उनके बीच जो होने वाली बातचीत है, उनको अपने शब्दों में लिखना है। अथवा में भी है, अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी महोदय या प्रधानाचार्य जी महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। लास्ट प्रश्न 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। आप दीपावली पर निबंध लिख सकते हैं, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी के बारे में लिख सकते हैं, सहमय है स्वच्छ भारत अभियान, और द है गणतंत्र दिवस। चार आपको शीर्षक दिए हैं, उन पर आपको 150 शब्दों में निबंध लिखना है। अथवा में भी है निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मान करके 150 शब्दों में कहानी लिखिए। कहानी आप लिख सकते हैं लोमड़ी और अंगूर, शेर और खरगोश, खरगोश और कछुआ, और मधुमक्खी और चिड़िया। धन्यवाद विद्यार्थियों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं बोर्ड के लिए एग्जाम 2022 के लिए हमने एक मॉडल प्रश्न पत्र हल करके तैयार किया गया है, और आगे भी इसी तरह के मॉडल प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने साथी सहपाठियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।